हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीत एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ए व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीडियो एडिट कैसे करें उसके बारे में। तो दोस्तों, कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन सा जो वीडियो एडिटर है वो फ्री है या फिर कौन सा एडिटर है जो हमें अच्छा एडिट करके वीडियो दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आपको बताता हूँ कि जो थोड़ा सिंपल है लेकिन एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए परफेक्ट है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है आइसक्रीम वीडियो एडिटर। तो दोस्तों, कहीं सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस हो गए कि अगर मैं वीडियो एडिट करूँ तो उसमें टेक्स्ट कैसे डालूँ, उसमें मैं कलर कॉम्बिनेशन कैसे ऐड करूँ, वीडियो को कट कैसे करूँ, अगर आपके पास दो वीडियो है तो उसको ज्वाइन कैसे करूँ, या फिर MP3 आपके पास है तो उसको कट करके कैसे इसमें डाले, ऑडियो का जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है तो उसको कैसे क्लियर करें, चेंज कैसे करें। तो सभी सवालों का जवाब मैं आपका यहाँ पे इस वीडियो बना के मैं आपको दूंगा कि आपको कैसा वीडियो बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे सारी गाइडलाइंस दूंगा। तो दोस्तों देखो, मैंने ये अभी स्क्रीन ओपन कर ली है आइसक्रीम वीडियो एडिटर की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी एक वीडियो ऐड करना है। देखो, ऐड फाइल पे जाना है। यहाँ पे मैं एक वीडियो ऐड कर देता हूँ, ये वाला वीडियो। ठीक है, देखो ये वीडियो ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिलेगा, लेकिन और यहाँ पे जो भी फाइल्स आपने अपलोड यहाँ पे की हुई है वो मिलेगी यहाँ पे। और नीचे जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा जो भी फाइल, तभी यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखाई देगी, उसका लेआउट यहाँ पे स्क्रीन में साइड में दिखाई देगा। ठीक है, तो वीडियो को जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है जनरल। तो दोस्तों, अगर आपके वीडियो में ब्राइटनेस ठीक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट, आप यहाँ से अपने कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन अपना चेंज कर सकते हो, और यहाँ से भी आप अपना कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। ये वाला स्पीड का बटन है, आप यहाँ से अपनी स्पीड घटा सकते हो। अगर आप रोटेट, अगर आपका वीडियो उल्टा पुल्टा है वैसे आपको ठीक करना है तो यहाँ से आप रोटेट से कर सकते हो। आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो ये थे जनरल के ऑप्शंस। कुछ नहीं करना तो फिर यहाँ से रिसेट डिफ़ॉल्ट कर दो, ये वाला हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे है ऑडियो। ऑलरेडी आपके वीडियो में ऑडियो अटैच्ड है, मतलब कि वीडियो में ही आपने ऑडियो का साउंड डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो में वॉइस थोड़ा कम आ रहा है तो उसको बढ़ाए कैसे, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर ज़्यादा वॉइस है तो घटा सकते हो, कम वॉइस आ रहा है तो उसको बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप इफ़ेक्ट थोड़ा सा दे सकते हो, फेड इन फेड आउट का इफ़ेक्ट है। ठीक है, और ऑडियो इफ़ेक्ट, यहाँ पे आप अपना साउंड चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, रॉबर्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ से चूज़ करना चाहो तो ठीक है, वरना आप अपना ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, तो ये हुई ऑडियो की बात। यहाँ पे कुछ नहीं करना तो रिसेट डिफ़ॉल्ट कर दो। एक और बात, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिम। ट्रिम मतलब कि आप यहाँ से वीडियो कट भी कर सकते हो, मतलब कि देखो आपको यहाँ से यहाँ तक का ही 20 सेकंड का ही वीडियो यहाँ पे पहले आपको चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से डन कर दो, इतना सिलेक्ट करके देखो ये 20 सेकंड का वीडियो आ चुका है। अभी बीच में आपको कुछ ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड कलर में जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी एक स्लाइड सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे चलो वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे स्लाइड सिलेक्ट करके टेक्स्ट मुझे यहाँ पे डालने हैं। तो जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे डालने हैं वो यहाँ पे डाल दो। मैं यहाँ पे मेरी चैनल का नेम लिख रहा हूँ, MR A Vlog, और जो भी इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे पसंद आए वो ले लो। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे ये रखना है आपका जो टेक्स्ट है वो, और यहाँ से आप उनकी स्पीड है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जो इफ़ेक्ट है वो आप यहाँ से दे सकते हो, आपको जो भी इफेक्ट पसंद आए वो, मैं ये वाली ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डन कर दो। तो ये आपका
हो चुका है। तो यहाँ से हम अभी देखते हैं, देखो यहाँ से 20 सेकंड के बाद आपका इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। देखो ये वाला आ चुका, लेकिन यहाँ पे देखो बीच में एक सिंबल आ रहा है प्लस वाला, तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी स्लाइड शो, मतलब कि आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हो कि आपको कैसा इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा इफेक्ट है जूम आउट, तो आप यहाँ से जूम आउट भी करवा सकते हो। देखो देखो ये जूम आउट थ्रू भी हो सकता है, वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो स्लाइड है वो आपको ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कि ये जो टेक्स्ट वाली साइड स्लाइड आपने जो ऐड की हुई है वो कितने टाइम तक शो होगी, कितने सेकंड्स आपको रखनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जितने भी सेकंड्स रखनी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सब स्लाइड में अगर सेम रखना है, एक से ज़्यादा स्लाइड है और सबका सेम रखना है तो अप्लाई टू ऑल कर दो, वरना यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पे साइड में क्लिक कर दो तो ये उतने सेकंड्स की सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अभी फिर से आपको यहाँ पे आपके पास एक ऑडियो है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, मैं चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर लिया। आपको जो बैकग्राउंड है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि वीडियो में कुछ आप नहीं दिखाना चाहते हो साइड का बैकग्राउंड वो आप ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्रॉप करके वीडियो को यहाँ से क्रॉप भी आप यहाँ से देखो क्रॉप सिलेक्ट करके आप यहाँ से वीडियो क्रॉप कर सकते हो, तो आपको दिखाई देगा कि क्रॉप, तो यहाँ से जितना भी आप क्रॉप करना चाहो उतना क्लिक करके यहाँ पे क्रॉप कर दो। ठीक है, तो ये वाला एक ऑप्शन भी अच्छा है। तीसरा है टेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना है, हेलो मैं हेलो वाला टेक्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हेलो वाला टैग यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ओके का टेक्स्ट पे जाना है हेलो, और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पीड भी सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो फिर से आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको हेलो का दिखाई देगा। ठीक है, तो वैसे भी आप देखो यार धीरे धीरे चला गया, उस आप स्पीड भी उसकी सिलेक्ट कर सकते हो कि वो जल्दी से भी चला जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऑडियो है, ठीक है, लेकिन आपको जो ये वीडियो में ऑडियो है उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में जो ऑडियो है उसको सिलेक्ट करके आप बिल्कुल ऑफ कर दो और यहाँ पे डन कर दो। डन करने के बाद यहाँ पे एक और ऑडियो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, और मैं MP3 यहाँ से ले लेता हूँ, ये ले लिया, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये हो चुका है, और अभी आप देखो जैसे ही साउंड अप, और यहाँ से आप इस ऑडियो को भी ट्रिम कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करके आप ऑडियो यहाँ से भी वो इस बड़ा घटा सकते हो, सेम यहाँ पे जो ऑप्शन है वही मिलेंगे आपको जो वीडियो में मिल रहे थे। यहाँ से आप ट्रिम भी कर सकते हो, कितना ऑडियो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से ओके कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो पूरे 24 मिनट का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ से भी वो ट्रिम करके बढ़ा सकते हो वापस, तो ओके कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे एक आसानी से कोई सिंपल सा वीडियो आप बना सकते हो जो आपको चाहिए, और एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी वर्क करता है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।